नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे साथी हैं, जिसमें से तीन साथी, एक जो महिलाएं हमारे नोनी जी वो, और दो और साथी हैं जो अभी भी अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनकी कोई भी सुध है वो नहीं ली जा रही है। और दोस्तों, कैसी विडंबना की बात है ये कि एक तरफ जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आज 15-20 दिन से जयपुर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज वो सभी सीएम हाउस के सामने धरने पर हैं, और दूसरी तरफ देखो तो यही इसी पार्टी के लोग, इसी सत्ता के लोग जो दिल्ली के अंदर खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैब जो लागू हुआ था। तो दोस्तों, अगर वो ऐसा मानते हैं कि हम विरोध करके, धरना देके अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रख सकते हैं, केंद्र सरकार के सामने, तो जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी तो प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी मांग है वो सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा है वो उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। सैकड़ों विद्यार्थी हज़ारों की संख्या के अंदर भूखे प्यासे, और जिसमें से काफ़ी साथी हैं जो अभी अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और उन्हीं में से प्रियंका जी गांधी है जो भी धरने पर बैठी हुई है। तो दोस्तों, एक तरफ वही धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो धरने पर राजस्थान के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी सुध वो नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों, पद बढ़ाए जा सकते हैं ऐसी संभावना है, और सरकार को जो फैसला है वो जल्द से जल्द लेना होगा, क्योंकि कई जो साथी हैं हमारे वो लगातार जिंदगी और मौत से आईसीयू के अंदर लड़ रहे हैं। आज उनका सातवां दिन है आमरण अनशन का। तो दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। सरकार जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे। धन्यवाद।